हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश करी। फिश करी हम बिल्कुल ही अलग स्टाइल में बनाएंगे, इसको बिल्कुल ही बंगाली स्टाइल में, और ये बहुत ही टेस्टी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ये 800 ग्राम फिश। सबसे पहले मैंने इसको धो के अच्छे से रख लिया है। इसको बहुत बढ़िया से 2 से 3 बारी धोना है और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर ही मैं इसमें डाल दूंगी फिश के अंदर ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। इसको हमें मैरिनेट करना है और आधा चम्मच करीब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब ये हल्दी और नमक डाल के हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब ये नमक और हल्दी सारे फिश में हमारे लग गई है अच्छे तरीके से। ये करीब हम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से इसको रख देंगे। जब तक मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि इसका मसाला हमें कैसे बनाना है। अब इस तरीके से हम इसको रख देंगे ताकि ये इसमें नमक और जो हल्दी हमने लगाया है ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाए। और इससे नमक लगाने से जो फिश हमारी है ये बहुत हार्ड अच्छे से टाइट हो जाती है और ये फ्राई भी बहुत अच्छे से होती है, इसलिए हमने इसको मैरिनेट किया है। अभी हम मसाला बनाएंगे फिश करी के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखे हैं 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 टमाटर छोटे साइज के। थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया है, थोड़ा लहसुन, 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हमें प्याज अदरक को छीलना है। अभी हमने यहाँ पे प्याज को और लहसुन अदरक को थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, साथ में टमाटर को भी। अभी हम बनाएंगे इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल, 1 चम्मच के करीब। इसी में ही हम ये डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज। इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हल्का हल्का भूनना है। प्याज को हल्का पिंक होने तक भूनेंगे, उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। अभी मैंने एक तरफ दूसरी कढ़ाई रखी है, इसमें हम करेंगे फिश फ्राई। कढ़ाई को जब भी हम फिश फ्राई करने के लिए रखें उस कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद ही हम ऑयल डालेंगे। कढ़ाई तेज अगर हम करेंगे और उसके बाद ऑयल डालेंगे तो फिश जो हमारी कभी चिपकेगी नहीं कढ़ाई में। अभी हम कर लेते हैं फिश को फ्राई। तेल में जब तक धुआं ना निकले अच्छे तरीके से, जब तक हम इसमें फिश नहीं डालेंगे, और बहुत बढ़िया रेड रेड फ्राई होगी हमारी फिश। अभी प्याज अदरक हमारा अच्छे से पिंक हो गया, हल्के सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर। टमाटर को भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। तो टमाटर गलने तक हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे। अभी ये मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। देखो टमाटर भी हल्के हल्के गल गए हैं। अभी गैस को हम कर देंगे बंद। इसको मसाले को ठंडा करने तक ऐसे ही रखना है, उसके बाद हम पीसेंगे। गरम बिल्कुल नहीं पीसना, ये तो मिक्सी के जार से ये बाहर आ जाएगा। अभी एक तरफ हम इसका स्पेशल मसाला बनाएंगे। अभी इसका स्पेशल मसाला फ्रेंड्स ये है कि ये है पीली सरसों। पीली सरसों डालने से ये जो है फिश करी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही मशहूर है कलकत्ते की। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 चम्मच। अगर हमारी 1 किलो करीब फिश है तो ये 4 चम्मच करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी 4 चम्मच मैंने ले लिए पीली सरसों, मस्टर्ड सीड है ये फ्रेंड्स। इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी। इसको बिल्कुल ही पेस्ट बना के पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इसका। अभी पेस्ट देखो मैंने बिल्कुल बारीक करके इसका बना लिया है। इसको रख देंगे एक तरफ। अभी हमारा ऑयल बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है, बिल्कुल ही देखो कलर भी इसका चेंज हो गया और बढ़िया से ये धुआं निकल रहा है। अभी हम फिश को डाल देंगे। अभी मैं इसमें जितने पीस हमारी कढ़ाई में आएंगे उतने करके मैं फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल रेड फ्राई करना है और बिल्कुल ही तेज गैस पे, गैस बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे वरना फिश हमारी चिपक जाएगी और टूट जाएगी। अभी जो हमने ये सरसों का पेस्ट बनाया है ये मैं निकाल लेती हूँ। अभी इसी मिक्सी के जार में जो हमने ये मसाला बनाया है ये मसाला भी हम पीस लेंगे।
जब तक हमारी फिश फ्राई हो रही है हम एक तरफ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। झटपट सब्जी हमारी ये बन जाएगी। अभी ये मसाले के पेस्ट को भी मैंने बना लिया है, देखो इस तरीके से। अभी ये दोनों मसाले हम रख देते हैं। अभी ये फिश हमारी देखो किनारे से बिल्कुल रेड नजर आ रही है, हल्की हल्की ये रेड भी हो गई है बीच में। अब मैं इसको पलट देती हूँ, कितनी बढ़िया से ये रेड रेड फ्राई हुई है। अभी एक तरफ से मैंने बिल्कुल ये रेड कर लिया, दूसरी तरफ से भी हमें इस तरीके से ही रेड करके सेक लिया है। अभी दूसरी तरफ से भी बिल्कुल रेड हो गई है ये फिश हमारी। अभी मैं सारी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। अब हम बाकी भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे शारी फिश को तल के रख लिया है बिल्कुल फ्राई करके। इसी कढ़ाई में मैंने जिसमें फिश तली थी फ्रेंड्स, इसमें ऑयल अगर आपको कम लगता है तो आप और भी इसमें डाल सकते हो। मैं इसी ऑयल में इसमें डाल दूंगी ये 2 से 3 तेज पत्ते और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम ये जीरा। अभी जीरा डालने के बाद हमने जो मस्टर्ड का पेस्ट बनाया है ये सरसों का, ये पेस्ट हम डाल के इसमें भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसको सिम गैस पे भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा नमक। नमक हम डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितनी की आपने ग्रेवी रखनी है। उसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालेंगे हम स्वाद अनुसार और ये धनिया पाउडर डालेंगे। अभी ये सारे मसाले डाल के अच्छे से इसी में भूनेंगे सिम गैस पे। अभी ये सरसों का पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है। अभी हम डाल देंगे इसमें जो मसाला हमने ये पीसा था। अभी इस मसाले को डालने के बाद सिम गैस पे बहुत बढ़िया से भूनना है इसे, जब तक इसका घी ना निकले। अभी एक तरफ ये मसाला भून रहा है हमारा। अभी हम बना लेते हैं मच्छी के साथ एक तरफ चावल। एक तरफ हमारे ये चावल भी बन रहे हैं फ्रेंड्स, इसके साथ ये चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी ये मसाला बहुत बढ़िया से भून गया है हमारा, ये देखो इसने घी बहुत बढ़िया से छोड़ दिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। जितनी आप तरी रखना चाहो फ्रेंड्स आप उतनी रख सकते हो, गाढ़ी या पतली। अभी हम तरी को उबलने तक ऐसे ही पकाएंगे। अभी तरी हमारी बहुत बढ़िया से पक रही है, उबाल आ रहा है। अभी हमने जो फिश इसमें फ्राई करी है वो हम इसमें डाल देंगे। अभी फिश डालने के बाद भी हम इसको 5 मिनट पका लेंगे ताकि फिश हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैंने इसमें फ्राई की हुई फिश डाल दी थी और उसको डालने के बाद भी मैंने 5 मिनट के लिए सब्जी को पका लिया है बढ़िया से। अब जो फिश जो हमारी है बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है और जो फिश के अंदर इसकी तरी भी चली गई है ये देखो। अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद फ्रेंड्स। तो गैस बंद करने के बाद हम इसमें लास्ट में डाल देंगे ये थोड़ा सा हरा धनिया। अभी एक तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, एक तरफ हमारी सब्जी और एक तरफ हमारे चावल भी बन के तैयार हो गए। ये हमारी फिश करी देखो कितनी बढ़िया से बन के बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, देखो। इधर
इधर मेरे चावल भी बन गए और इधर हमारी फिश करी भी। ये देखो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कितनी फर्स्ट क्लास हमारी फिश करी बनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी आपको देखने को मिले। मिलते हैं किसी अगली नई डिश के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।